सामने विंडशील्ड पे देखो, पूरे स्नो गिर रही है। नो मैन सैम के लिए 5 घंटे कुछ नहीं है। गुड मॉर्निंग नोमैड्स, वेलकम टू एपिसोड नंबर 5 ऑफ टर्की ओवरलैंडिंग ट्रिप। और आज अगर आप देखोगे तो पूरी बारिश वारिश गिर रही है, पूरी रात से बारिश गिर रही थी और हमारी गाड़ी भी हम लोगों ने वार्म अप कर ली है। आज से हमारा ट्रिप ना थोड़ा सीरियस होने वाला है और हम लोग यहाँ से ड्राइव कर रहे हैं बोड्रम। बोड्रम के बाद की जर्नी विल बी ऑल अलोंग एक्सप्लोरिंग द लिटिल लिटिल ज्वेल्स अलोंग द टर्किश रिवियरा। तो बने रहिए फॉर सम माइंडलेस फन। तो गाइस, निकली हमारी पल्टन एंड वी आर डैम एक्साइटेड। और आज पूरी रात यहाँ पर इतनी बारिश पड़ रही थी, इट इज़ नॉट फनी। आई वॉज सो विशिंग टू शो यू गाइज द रूट, जिधर से हम लोग आए थे वो एकदम गांव जैसा था, पर हम लोगों का रास्ता भी फिलहाल फर्दर अहेड जा रहा है तो ये वाला थोड़ा बेटर दिख रहा है। अभी मैं हाईवे पे रुका हूँ कि यहाँ पर देखो कि तो गाड़ियों के ऊपर बोनेट पे भी बर्फ़ गिरी हुई है। दिस आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, यहाँ पे बर्फ़ गिरी है, ऑल्दो मुझे ठंडा थोड़ा कम लग रहा है। सामने देखो क्या जन्नत है यार, यहाँ तो और हेवी स्नो है, कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड है। बॉस, हम लोगों ने तो सोचा भी नहीं था यहाँ पर सब बर्फ बर्फ गिरेगी। पूरा हाईवे स्नो लेडन है यार, और आगे एकदम फॉग वॉग वगैरह दिख रही है, ऐसा लग रहा है धुंध में जा रहे हैं। जो एरिया हम लोग क्रॉस कर रहे हैं उसका नाम डेनिसली है। ऑल द बॉर्डर में स्नो नहीं गिरती है एज पर प्रिया, तो हमें वहाँ पर नहीं मिलेगी। तो जितने मजे लूटने भैया अभी लूट लो। I'm just sitting here. I got time. काश मैं इधर रुक के तुम लोगों को बता सकता था एक्सपीरियंस क्या है। फिलहाल ऑफ कोर्स यहाँ पे गाड़ी रोकी नहीं जा सकती, वैसे ही अलाउड नहीं, और उसके ऊपर से अभी तो फिलहाल वैसे भी ऐसी कंडीशन है किसी को भी दिखाई भी नहीं दे रहा। तो अभी जो सामने आप एकदम खूबसूरत सड़क देख रहे हो वो है डेनिसली मुगला रोड, और ये हमारी डेस्टिनेशन की तरफ जा रही है ऑफकोर्स, और चलाने में मज़ा आ रहा है ऑफकोर्स, और प्रिया मेरे का सर खा रही है ऑफकोर्स, और म्यूजिक हमारा बहुत अच्छा बज रहा है ऑफकोर्स। इट्स क्लियर टू सी फ्रॉम अप हियर द वर्ल्ड सीम्स स्मॉल। हम लोगों ने सारी सिटी विटी वगैरह भी क्रॉस कर ली है और अब हम लोग वापस माउंटेन में एंटर कर रहे हैं और यहाँ से वापस थोड़ा सा एडवेंचर स्टार्ट हो जाएगा। इट्स सो ब्यूटीफुल यू एंड मी वी मेंट टू बी। So guys, as expected, snow खत्म हो गई है। अभी you can see the green cover again. What an experience. Must do this road. अगर December के आसपास आ गए तो 4 चांद हो जाएंगे। वापस स्नो चालू हो गई, एक की कॉस्ट पे 2 वंडर। सामने विंडशील्ड पे देखो पूरे स्नो गिर रही है, मस्त मजा आ रहा है। Live from Turkey. Forever free. क्लियरली डिफाइंड लाइन दिखती होगी जहाँ के आगे तुम्हें लगता है कि जैसे कभी जिंदगी में बर्फ ही नहीं गिरी, पूरा सूखा। देखो एक लाइन सीधी बन गई है। इट इज यहाँ पे इतना सडन ट्रांजिशन होता है ना बॉस, मतलब 2 मिनट लगता है बर्फ से पूरा ढेर पहाड़, फिर उसका सडनली खाली, उसका सडनली बर्फ से ढेर पहाड़, और ये टाउन ऐसा लग रहा है इन्होंने जिंदगी में बर्फ नहीं देखी, इतना साफ सुथरा है अभी, अनबिलीवेबल है। गाइस, फाइनली थोड़ा सा क्विक फ्यूल स्टॉप ले लिया है, पीछे कॉफी वाला है। अभी यहाँ से हम लोग ऑलमोस्ट 1 घंटा दूर हैं। प्रिया ने कुछ बहुत लंबी चौड़ी आइटनरी डिसाइड करी है जो मुझे आइडिया नहीं था, बिकॉज जो प्रिया ने बताया इफ इट्स ट्रू देन इट्स अमेजिंग। सिच की ना एक्यूरेट। तो बंदे ने पूरा गाड़ी एकदम चमका दिया है, गाड़ी पार्क कर दी है, कॉफ़ी शॉप ये रही, बाजू में बैठ के कॉफ़ी पियेंगे। लोग जनरली अपनी गाड़ी खुद ही यहाँ पर वॉश करते हैं, वैसे यहाँ पर गाड़ी इतनी गंदी होती नहीं है जनरली, बिकॉज काफ़ी साफ सड़कें हैं। कॉफ़ी आ गई है, सो कॉफ़ी ब्रेक भी हो गई, सुसु ब्रेक भी हो गई, और अभी प्रिया ने भी पूरा सेट हो गई है अंदर, मैंने भी जैकेट निकाल दिया है, उतना ठंडा नहीं रहा है, तो फिर अभी हम निकल रहे हैं। और अब हम लोग मुगला प्रॉपर सिटी क्रॉस कर रहे हैं,
सामने आपको जो धुआं उड़ता दिख रहा है वो थर्मल पावर प्लांट है और लोग भी यहाँ पे वैसे बहुत हॉस्पिटेबल हैं बाय द वे। पेट्रोल पंप का पैसा देने के अंदर वो कैश एंड कैरी काइंड ऑफ अ स्टोर में गई, सो द लेडी रियली कॉम्प्लीमेंटेड मी, शी फाउंड मी रियली प्रीटी। सो यस, लोग यहाँ के बहुत अच्छे हैं एंड अंधे भी हैं। मस्त, इस समय हम लोग पाइन फॉरेस्ट से गुजर रहे हैं और यहाँ पर पूरा इंडिया जैसा हाईवे, सड़क पे सब्जियाँ बिक रही हैं, फ्रूट वगैरह जूस बिक रहे हैं और सैम बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहा है, मुझे रुकने नहीं दे रहा है, खुद की चाय के लिए रुक लेगा बट मेरे को देख आप सब्जी का करेगी क्या, मेरे सर पे मारेगी, फ्रूट खाती रहती है और चबाती रहती है मुझे। आफ्टर ट्रैवलिंग फ्रॉम दो स्नोई माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट, मतलब ये जो धूप लग रही है ना इतना अच्छा लग रहा है। एंड सैम को मैंने बस अभी बताया है कि बस उसको लग रहा था हम 1 बजे पहुंच जाएंगे और मस्त अपना होटल में वो सूर्य पिजेगा, पर जैसे ही मैंने उसको आज आधे दिन की आइटनरी बताई है 50 बार मुझसे कंफर्म कर चुके हैं ये आज की है। साला कोई कंसिडरेशन ही नहीं कि कोई आदमी इतनी गाड़ी चला रहा है, 5 घंटे चलाया नोमैड सैम के लिए 5 घंटे कुछ नहीं है। रुको, एक खास जगह पे आया हूँ और तुम्हें व्यूज दिखाता हूँ। सो गाइस, फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ बोर्डरम, नाउ फाइनली आई गेट टू सी इट। पीछे देखो, ऑफ कोर्स हम लोग वहीं जा रहे हैं तो मैं आपको फर्दर आगे बाद में पकाऊंगा, सो स्टे ट्यून्ड एंड और अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। ट्रेलर ऐसा तो पिक्चर कैसी होगी, बस क्या मस्त दिख रहा है यार, मुझे लगता है यहाँ पे बहुत मज़ा आने वाला है। एंड इट्स माई काइंड ऑफ कोर्स बिकॉज ठंडा है, मुझे जनरली वो गर्म बीचेज और कोस्ट पसंद नहीं है, मुझे ठंडे बीचेस और कोस्ट पसंद है। Sometimes you need to go take a step. Now 10 kilometers away from Bodrum and we just almost 15 minutes away. तो वहाँ पे अभी क्विकली हम लोग होटल वगैरह में चेक इन वगैरह करेंगे, उसके बाद प्रिया ने तो इतनी लंबी चौड़ी आइटनरी बनाई है कि कल परसों तक मैं वापस आ ही जाऊँगा होटल में। होटल आ गया, आज का होटल आ गया, आज का होटल आ गया। हाय गाइस, वेलकम टू द रिच मैन प्लेग्राउंड, बोर्डरूम में आपका स्वागत है और हमारे होटल से व्यू वहां पर सामने सीखा है एंड वी आर स्टेइंग एट द आज़का होटल। तो अभी प्रिया चेक इन प्रोसीजर स्टार्ट करेगी, वो उसका पार्ट ऑफ द जॉब है, मैं यहां पे बैठ के आप लोगों के साथ टाइम पास करूंगा। फिलहाल प्रिया क्या फॉर्मेलिटीज़ भर रही है तू? बस होटल का एंट्री फॉर्म प्लस ऑल द कोविड फॉर्मेलिटीज। But still, yeah. The best part of this room is this. Check this out. Oh wow! क्या दिख रहा है यार? वहाँ yachts वगैरह parked हैं और पूरा समुंदर का व्यू है। क्या दिख रहा है यार? ये जगह माइंड बॉगलिंगली ब्यूटीफुल है। But this seems to be the playground of all the rich. तो यहाँ पर काफी रईस लोग रहते हैं और सारी जितनी भी अमेजिंग गाड़ियां हैं मेरे को लग रहा है टर्की की ये इधर ही हैं। मैंने आइटनरी तो बना दी है बट उसके लिए जरूरी है कि हम यहाँ से निकले। बट स्टिल वी आर गोइंग टू द बोर्डरम कैसल, द बोर्डरम मरीना, द बोर्डरम बाजार, द ओल्ड टाउन एंड फर्स्ट वी आर गोइंग टू हैव लंच एट वन ऑफ द बेस्ट सी फूड प्लेसेस ओवर हियर, बट उसके लिए हमें यहाँ से निकलना जरूरी है, इजंट इट? कम ऑन, लेट्स गो सोल्जर। च्यवनप्राश खिला दो या मुलेठी खिला दो, मुलेठी एनर्जी के लिए। रिया उड़ उड़ के जा रही है। सो गाइज, वी रीच द मरीना, दिखाता हूँ, बहुत खूबसूरत है और पीछे देखो पूरे यॉट्स वगैरह पार्क्ड हैं। प्रिया, दिस प्लेस रिमाइंड्स मी ऑफ कैप्री इन इटली। वेरी मच, बट गॉड, आई एम सो एक्साइटेड टू सी दिस। जैसे गरीब आदमी को ना कुछ मिल जाए ना ऐसे। तो यहाँ पे एडवेंचर बाइक्स का काफी सीन है और अदरवाइज लोग स्कूटी यूज करते हैं। तो गाइस, जस्ट वॉकिंग द मरीना, ये यॉट्स वगैरह के बाजू में से जा रहे हैं, उधर से चल के आ रहे हैं और ये देखो पूरा लाइनअप है यॉट्स का वहाँ एंड तक।
ऐसे टाइप की लाइफ स्टाइल ना इंडिया में कहीं मेरे को दिखती नहीं है. और आई वुड लव टू स्टे इन अ सिटी व्हिच लुक्स लाइक दिस एंड दिस काइंड ऑफ अ वाइब. क्या ढूंढ रही है तू? द होटल गाय रेकमेंडेड दैट फिश प्लेस कॉल्ड मेमेदोफ, तो मैं वहीं जा रही हूँ क्योंकि अब तावुक हो गया खा खा के. कुछ मिला तेरे को काम का? आई विल हैव फ्राइड कालामारी. भूख तो जाबर लगी है ना बहुत ज्यादा. आई कांट लाइक एक्चुअली आई कांट आई एम लविंग दिस प्लेस बट आई फर्स्ट वांट टू ईट समथिंग देन ओनली आई कैन डू समथिंग एल्स. खाना तो हो गया हमारा और अभी हम लोग जा रहे हैं पहले कासल. सो बेसिकली इट्स अ सेंट पीटर्स कासल और कासल के अंदर एक अलग म्यूजियम है ऑफ अंडर वाटर आर्कियोलॉजी. ये ना टर्की का पंजाब है. इधर लोग टोरी होके म्यूजिक भी बजा रहे हैं, मैग भी लगाए हुए हैं. ये पूरी जगह अलायदा ही है टर्की में. ऐसी गाड़ियाँ, ऐसी बाइक्स, ऐसा म्यूजिक और ऐसा टाइम पास नहीं है जनरली. ये है वो कैसल जो प्रिया बोल रही थी और वहाँ पे फेरी बोट्स का सिस्टम है. तेरी शक्ल देख के मुझे ऐसा लग रहा था सीन खराब है, बट नहीं, सीन परफेक्ट. एक्चुअली सीन ज़्यादा अच्छा है बिकॉज राइट नाउ इफ यू गो इनसाइड इट्स शट्स एट 5:30 सो वील हैव ओनली 1 आवर सो वील हैव टू रश थ्रू एवरीथिंग. ही सेज आइडली शुड हैव 2-2.5 आवर्स इनसाइड एंड लकीली सो सीन बहुत अच्छा है. कल दोनों खुले हैं, म्यूजियम ऑफ अंडर वाटर आर्कियोलॉजी एज वेल एज द कासल. सो वील कम टुमारो आराम से. शुक्र है ऊपर वाले का. हम सारा ये आराम से घूम सकते हैं विदाउट एनी हर्री नाउ अपने पेस पे. अपने पेस में मतलब क्या? रॉकेट की स्पीड पे. सो आई होप यू गाइज लाइक द टाइम लैप्स. और आप लोगों को बताता हूँ कुर्बानी क्या देनी पड़ती है वीडियो बनाने के लिए. प्रिया बेचारी वहाँ पे लेटी हुई है. अब मैं तुमको सीन दिखाता हूँ. यहाँ के सीन्स कुछ ऐसे हैं. ये देखो भाई क्या दिखता है. और प्रिया ने जगह मल ली है. मजा आ रहा है ना? टू गुड, दिस प्लेस इज टू गुड. क्या व्यू है यार. क्या प्रिया कैसा लग रहा है तेरे को? दीस टाइम लैप्सेस आई डोंट माइंड बिकॉज आई एम सिटिंग हियर. शो देम. चलो गाइस हमारा यहाँ पर हो तो गया है. अभी हम लोग थोड़ा यहाँ पर टाइम पास करेंगे. तो अनबिलीवेबल, द होल सिटी इज ऑन अ पार्टी एंड दे हैव इनवाइटेड एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी. इट्स अनबिलीवेबल. मस्त है. हे गाइस, होटल रूम में वापस. सो हम लोगों को काफ़ी टाइम हो गया. हम लोग काफ़ी देर तक वहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे थे, चिल कर रहे थे, तो हमें लेट हो गई. पर मैंने सोचा मैं व्लॉग वगैरह नहीं बनाऊँ बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी व्लॉग में बहुत ज़्यादा कंटेंट था. तो मैंने बोला मैं वो सब भी शूट करूँगा तो फिर व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा. तो आई होप आप लोगों को बोर्डरूम की है छोटी सी शाम पसंद आई हो जितनी मुझे पसंद आई और प्रिया को पसंद आई. इसी के साथ दिन नंबर 5 और व्लॉग नंबर 5 की समाप्ति घोषित करता हूँ. और इसके साथ बोलना चाहता हूँ कि डे नंबर 6 पे मिलेंगे ऑफ एक्सप्लोरिंग बोर्डरम, जो कि बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि प्रिया ने बहुत तड़केदार आइटनरी बनाई है जिसके अंदर हम टाइम वेस्ट करेंगे. तो बने रहिएगा उसके लिए भी. एंड ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू से इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, इफ़ यू हैव लव द वीडियो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन. इनफैक्ट यू नो द ड्रिल, स्मैश इट.